जय हिंद दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं प्लेजर प्लस VX मॉडल है, जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है और सिल्वर कलर के अंदर है ये दोस्तों, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सभी दूसरी गाड़ियों में प्लास्टिक का दिया जाता है, पर इसके अंदर आप देख सकते हैं मेटल का दिया गया है दोस्तों, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है देखने में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। और इसके साथ में आपको दो चाबियाँ मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं दो चाबियाँ, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लग रही है। तो इसका फटाफट से मैं आपको पूरा डिटेल दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये गाड़ी का व्यू है दोस्तों, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। तो मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ। तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लग रहा है। ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों, इसमें हाफ मैनुअल है और हाफ डिजिटल है, तो काफ़ी शानदार ये लुक दे रही है दोस्तों। तो इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पेट्रोल का साइन दिया है, यहाँ पर साइड स्टैंड, अगर साइड स्टैंड लगाया हुआ है तो वो चीज़ भी आपको इसमें दिखाएगा, और यहाँ पर इंजन का सिंबल दिखा रहा है, और 100 तक की इसमें टॉप स्पीड दी गई है, और यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी आपको यहाँ दिखाएगा गाड़ी के अंदर। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ गाड़ी का कैसा साउंड है आपको। तो ये गाड़ी का कुछ ऐसा साउंड रहेगा, आप देख सकते हैं गाड़ी का साउंड भी मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लग रही है दोस्तों। और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग की एक डिज़ाइन और मिल जाएगी, जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। तो कुछ साउंड ऐसा रहेगा दोस्तों गाड़ी का, आप देख सकते हैं इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं आपको ये बंद करके इसकी चाबी दिखा देता हूँ, दो चाबियाँ ऐसी मिलेगी आपको। और यहाँ पर इसमें चार्जिंग का पॉइंट भी दिया गया आपको, तो आप अपना मोबाइल वगैरह USB केबल से कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ भी आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, अपना मोबाइल वगैरह कुछ होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, रुमाल वगैरह तो इजीली आ ही जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे, लेफ़्ट राइट के बटन यहाँ पर दिए गए, हॉर्न यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ आप अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, सामान होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ टाँग सकते हैं आप अपना सामान। और नीचे में आपको मैट मिल जाएगा, मैट की भी ग्रिप काफ़ी अच्छी दी गई है, मैट की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी दी गई है आप देख सकते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। और ये देख सकते हैं ये गाड़ी का साइलेंसर है दोस्तों, तो साइलेंसर के ऊपर एक प्लेट लगेगी, अभी तक लगाई नहीं गई है दोस्तों। और यहाँ से आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल डाल सकते हैं, ये देख सकते हैं ये इंजन ऑयल डालने का यहाँ पर दिया गया है, तो इसको मैं टाइट कर देता हूँ, थोड़ा लूज़ है। और ये इसका एयर फिल्टर है दोस्तों, जो गाड़ी गर्म होती है तो वो यहाँ से फ़ैन से उसकी हवा बाहर निकलती है, तो वो एग्जॉस्ट यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपको यहाँ पर अपने पैर रखने के पैंडल मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। तो इनको मैं बंद कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं दोस्तों, आगे भी और पीछे भी दोनों में, दोनों साइड आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे इसके अंदर। और कुछ बैक का कुछ ऐसा व्यू रहेगा दोस्तों गाड़ी का, बैक से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है आप देख सकते हैं। हीरो प्लेजर प्लस VX मॉडल है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं ये चार्जर्स नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है, यहाँ आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी, और यहाँ पे आपका टेल लैंप आ जाएगा आप देख सकते हैं, बड़ा सा पीछे का लैंप, और साइड इंडिकेटर यहाँ दिए गए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ओवरऑल दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अब गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, गाड़ी का माइलेज और गाड़ी की प्राइस कितनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 45 सिटी के अंदर और 50 हाईवे के ऊपर तक आपको माइलेज इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। और गाड़ी की प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, 86,100 के आसपास इसकी प्राइस है। तो मेरे पास में ये है आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ इस मॉडल की कितनी प्राइस है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मॉडल की प्राइस यहाँ पर 86,100 है इस गाड़ी की प्राइस, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इनसे प्रिंट भी ले लिया है दोस्तों, तो मैं आपको अब इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी दोस्तों, 86,100 ऑन रोड प्राइस है, बेंगलोर कर्नाटका के अंदर इसकी इतनी प्राइस रखी गई है। और इसका माइलेज 45 to 50 है दोस्तों, सिटी के अंदर आपको 45, और अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो 50 तक का इसमें आपको इजीली माइलेज मिल जाएगा, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है दोस्तों प्लेजर प्लस, आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको इसकी डिगी ओपन करके दिखा देता हूँ, तो डिगी के अंदर कितना सामान आप रख सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से डिगी ओपन हो जाएगी दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको की लगानी होगी, यहाँ से आप की लगा के इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, ये ओपन हो गई है दोस्तों। तो ये साइलेंसर का कवर इसमें रखा हुआ है दोस्तों, वो आप लगा सकते हैं, और ये देख सकते हैं इतना स्पेस है, एक छोटा हेलमेट इसमें इजीली आप रख सकते हैं। और यहाँ पर लाइट दी गई है,
अभी नई जितनी भी गाड़ियाँ हैं दोस्तों सब के अंदर ये लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ से जब सीट का प्रेशर पड़ता है तो ये ऑफ़ हो जाती है, जैसे ही सीट ओपन करते हैं ऑन हो जाती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना कुछ सामान वगैरह डाल सकते हैं आप, ATM वगैरह और अपने लाइसेंस कार्ड वगैरह भी रख सकते हैं, छोटा मोटा सामान आ जाएगा। और एक छोटा हेलमेट आएगा दोस्तों, बड़ा वाला हेलमेट इसमें नहीं आएगा मेरे ख्याल से, जब तक मुझे आइडिया है। छोटा हेलमेट तो इसके अंदर आ जाएगा। और ये फ्यूल टैंक है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, तो काफ़ी टाइट है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको ओपन करके इसमें फ्यूल डालना होगा। ये देख सकते हैं अप्रॉक्स 6 लीटर का ये फ्यूल टैंक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 6 लीटर का इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये फ्यूल टैंक है, तो 6 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं दोस्तों, 6 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। तो ओवरऑल मैंने आपको गाड़ी की सारी जानकारी दे दी दोस्तों सारी, और सीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं आराम से इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं सीट के ऊपर, काफ़ी लंबी चौड़ी सीट है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देखिए, पर 2 लोग कंफर्टेबली 2 लोगों के लिए बनाई है, पर 3 लोग इजीली बैठ जाते हैं, क्योंकि फैमिली पर्पज़ के लिए ये गाड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, आप सभी को मालूम है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें आपके पैंडल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं पैर रखने के लिए पैंडल यहाँ दिए गए हैं, और आप इसको किक स्टार्ट भी कर सकते हैं। और 110 cc का इसका इंजन है दोस्तों, 110 cc का इसका इंजन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर गाड़ी ऑफ़ हो गई है, गाड़ी की बैटरी ऑफ़ हो गई है, तो आप गाड़ी को यहाँ से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो ये स्टार्ट हो गई है, पैंडल से भी गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ इसको। तो ये सारी डिटेल है, मैंने ओवरऑल सारी डिटेल मैंने आपको दे दी दोस्तों। इस गाड़ी के रिकॉर्डिंग आपका कुछ भी सवाल या कुछ भी ये है तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बतानी थी दोस्तों, अगर आपने पैंडल लगा रखा है और आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आप देख सकते हैं, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है दोस्तों हीरो की तरफ से। अगर आपने पैंडल नीचे कर रखा है और आप गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखिए ये चाबी ऑन है, और मैं अभी आपको लाइव स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने प्रेस कर दिया, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं है गाड़ी के अंदर। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप देखिए, ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी दी गई है हीरो की तरफ से दोस्तों, और सबसे मेन चीज़ है हीरो का ट्रस्ट है दोस्तों। तो हीरो प्लेजर प्लस VX मॉडल है दोस्तों, और ओवरऑल सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। एक बार और बता देता हूँ, गाड़ी का माइलेज 45 to 50 है, सिटी के अंदर 45 और हाईवे के ऊपर 50 तक आपको माइलेज मिल जाएगा। और गाड़ी की प्राइस 86,100 रुपीज़ है ऑन रोड प्राइस बेंगलोर कर्नाटका डम्बलूर के अंदर दोस्तों। अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सर का नंबर डाल दूंगा, सेल्स मैनेजर का। तो इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई क्वारी या कुछ सवाल है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट करके बताइए आपको गाड़ी कैसा लगा और भाई का वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।